Is Kangana Stages a copy of Tom Cruise's movie Top Gun Maverick 2022? Well, no, नहीं, बिल्कुल नहीं. In fact, इस मूवी की कॉपी तो कोई सात जन्मों में भी नहीं कर पाएगा, बशर्ते वो कोई और कोई नहीं, खुद टॉम क्रूज हो. ओके, आई गॉट योर पॉइंट कि हम कंपैरिजन विजुअल क्वालिटी का नहीं बल्कि सिर्फ विजुअल के आइडियाज का कर रहे हैं जो कि मैवरिक से चुराई हुई लग रही है. बट दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक से सीन्स है जो कि आपको दिखाने ही पड़ेंगे अगर आप फाइटर जेट्स पर मूवी बना रहे हो. तो फिर भी लोगों के मन में ये कंपैरिजन आया बिकॉज ऑफ टू रीजन. द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि कंगना रनौत दीदी ने कभी खुद को टॉम क्रूज से कंपेयर किया था. और द सेकेंड रीजन इज अभी पिछले साल ही लोगों ने देखी ऑस्कर विनिंग मूवी टॉप गन मैवरिक. इसे डायरेक्ट किया था जोसेफ कोजिंस्की ने. इस मूवी को अपने विजुअल और साउंड को लेकर ऑस्कर मिले. और कसम से ये मूवी इतनी लाजवाब है कि इसको जो एक बार देख ले वो इसके नॉस्टैल्जिया से कभी निकल ही नहीं पाता. तो एक तरह से ऑडियंस की भी गलती नहीं है व्हेन दे आर कंपेयरिंग दीज मूवीज. एनीवे, इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू थ्री क्रिस्पी रीजंस की व्हाई तेजस चाहकर भी कांट कॉपी टॉप गन मैवरिक. एंड द रीजन नंबर वन इज कंगना कांट बी टॉम क्रूज. इसे कंगना को छोड़कर हर कोई जानता है. एनीवे, मैवरिक हैज सेट दिस बार रियली हाई व्हेन इट कम्स टू एविएशन मूवीज. एंड व्हाई नॉट भाई, इन बंदों ने इसमें CGI प्लेन नहीं बल्कि असली के F-18 उड़ाए हैं. इसके लिए मूवी के सभी एक्टर्स ने 3 महीने की मिलिट्री लेवल ट्रेनिंग ली जिसे खुद टॉम क्रूज ने टॉप गन के नेवल फ्लाइट ऑफिसर्स के साथ मिलकर डिजाइन किया था. बिकॉज अकॉर्डिंग टू टॉम क्रूज, You just can't create this kind of experience unless you shoot it live. Reason number two is paisa, paisa aur khoob sara paisa. हम तेजस या ऐसी किसी भी इंडियन फिल्म से ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि वो मैवरिक जैसा कुछ ओरिजिनल करे, क्योंकि हॉलीवुड की तरह अंधा पैसा यहाँ नहीं है. अभी तेजस और मैवरिक को ही ले लो, इन दोनों के बीच लगभग $5 मिलियन से लेकर $170 मिलियन का अंतर है जब बात आती है इन फिल्मों के बनने की. लाइक देयर्स ह्यूज, रियली ह्यूज डिफरेंस. पॉइंट नंबर थ्री, पुअर VFX. तो हम अटमोस्ट यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉलीवुड मूवीज कम से कम अच्छा VFX यूज करें, और वो भी तेजस मूवी में नहीं किया गया है. कई जगह तो ग्रीन स्क्रीन एकदम विजिबल है. इसके अलावा उतनी ऊंचाई पर जो ग्रेविटी फोर्स पड़ता है उससे फेशियल रिएक्शन की एक्टिंग ही कर सकते थे यहाँ पर, जो कि इस मूवी के ट्रेलर में फिलहाल तो नहीं दिखाया गया. अब तक की रीसेंट बेस्ट VFX वाली मूवी ब्रह्मास्त्र रही है जो $51 मिलियन में बनकर तैयार हुई थी. That is लगभग 410 करोड़ रुपए. तेजस जैसी मूवी जो पूरी तरह एविएशन एक्शन पर बनी है उसमें इतने ही खर्चे की जरूरत थी, जिसे वाइजली इस मूवी के प्रोड्यूसर ने बचा लिया क्योंकि उन्हें भी पता है कि तेजस जैसी फिल्में 400 करोड़ कभी नहीं कमा सकती, फीमेल सेंट्रिक हो तो और नहीं. कमिंग टू द कंक्लूजन, तेजस मूवी को देखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपने पहले मैवरिक नहीं देखी हो, बिकॉज मैवरिक इज प्यार. और एयरक्राफ्ट सीन्स की बात करें तो इसे देखने के बाद और कुछ देखने का मन ही नहीं करता. एनीवेज, अगले साल यानी जनवरी 2024 में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की मूवी फाइटर आ रही है जो कि लगभग तेजस की तरह ही फाइटर जेट्स पर बेस्ड होगी. देखना है कि उसका VFX कैसा होगा. आपको तेजस का ट्रेलर कैसा लगा? Let us know in the comment section. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, then don't forget to like, share and subscribe our channel.